देश के अंदर मुस्लिम शासकों द्वारा जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसी समय एक मुस्लिम शासक ने इस भगवान शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। यहाँ पर नंदी महाराज की सींगे हुआ करती थी, जो कि सोने की होती थी, उसको भी अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से उखाड़ लिया, यहाँ से निकाल लिया है। 340 साल पुराना ये भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ से शिवलिंग से पानी नीचे गिरता है, वो भी आगे से टूटा हुआ है। इन स्तंभों पर संगमरमर की दो पट्टिकाएं लगी हैं, जिन पर फारसी भाषा में इसके निर्माण की तिथि एवं निर्माता का नाम अंकित है। हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बढ़िया मैसेज मैं आपको नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं मोहित हूँ। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, इस मंदिर की खासियत के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि संयुक्त मंदिर का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला के शासनकाल 1775 से 1798 ईस्वी में इनके प्रधानमंत्री राजा टिकैत राय द्वारा 1786 से 1788 ईस्वी में कराया गया। नवाबी काल में इस पूर्णतया विकसित मंदिर का निर्माण लखौड़ी ईंटों से किया गया है, जिस पर चूने के मसाले से पलस्तर तथा अलंकरण किया गया है। वास्तु विन्यास की दृष्टि से अष्टकोणीय तल विन्यास एवं ईंट निर्मित पूर्वाभिमुखी प्रवेश द्वार वाली चार दीवारों के मध्य इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे अधिष्ठान पर किया गया है, जिसका गुम्बद धारीदार उभार युक्त है। मेहराबदार पुल का निर्माण भी लखौड़ी ईंटों से किया गया है, जिस पर चूने के मसाले से पलस्तर और अलंकरण किया गया है। यह पुल 5 नुकीली मेहराबों पर आधारित है, जिन्हें विशाल स्तंभों पर रोका गया है। लखनऊ में स्थित सबसे पुराने पुलों में से एक। इस पुल में 3 मंजिला 2 अट पहलू मीनारे हैं, साथ ही विभिन्न आकारों की छतरियां भी बनी हैं। इन स्तंभों पर संगमरमर की दो पट्टिकाएं लगी हैं, जिन पर फारसी भाषा में इसके निर्माण की तिथि एवं निर्माता का नाम अंकित है। ये वही मंदिर है जिसको एक मुस्लिम शासक ने बनवाया था, और उस समय बनवाया था जब देश के अंदर खूनी संग्राम खेला जा रहा था। जब यूं कहें कि देश के अंदर मुस्लिम शासकों द्वारा जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसी समय एक मुस्लिम शासक ने इस भगवान शिव मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। जो भी कीमती चीजें हमारे देश के अंदर थी, उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से चोरी कर लिया था। जी हाँ, एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंदी महाराज की वो मूर्ति है जिस पर सोने चांदी व हीरे जवाहरात वगैरह कभी जड़े हुआ करते थे। शिवलिंग में मुझे आधा टूटा नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ तो ये डिजाइन जो है पूरी कम्प्लीट नहीं है। हालांकि कभी ये गोल हुआ होगा, लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये साइड से टूटा हुआ है, और नंदी महाराज जहाँ से शिवलिंग से पानी नीचे गिरता है वो भी आगे से टूटा हुआ है। यूं कहें कि सोने चांदी से भगवान शिव की ये शिवलिंग पूरी तरह से खूबसूरत सुसज्जित नजर आती थी आसिफउद्दौला ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत आई, तब अंग्रेजों ने इस मंदिर से जो भी सोने चांदी या फिर कीमती आभूषण थे उनको यहाँ से चोरी कर लिया। अच्छा, एक पैरों पर जरा ध्यान दो, एक ये पैर और एक ये पैर, पैर मुड़ा हुआ था और यहाँ पर भी कुछ सोने का लगा हुआ था कभी। और यहाँ पर भी देखिए, भगवान नंदी महाराज के जो पैर हैं, जो खुर होते हैं, वो भी यहाँ से गायब है। यहाँ पर नंदी महाराज की सींगे हुआ करती थी, जो कि सोने की होती थी, उसको भी अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से उखाड़ लिया, यहाँ से निकाल लिया है। 340 साल पुराना ये भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम शासक ने करवाया था, आसिफउद्दौला ने करवाया था। जी हाँ, ये वही आसिफउद्दौला है जिन्होंने लखनऊ राजधानी को इमामबाड़ा दिया, भूल भुलैया दी और तमाम चीजें। भैया उस समय क्या क्या बना था? विक्टोरिया है, शहादत अली है, नील गेट है, मुशीर जादी है, अरे बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवा रखा है। तो इसी तरह हर जगह पे जो है सारा प्रदर्शन चल रहा है। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। जी हाँ, पानी जो भी ऊपर वहां से आता है, यहाँ से आकर सीधे बेहता नदी में चला जाता है। जी हाँ, ये देखिए, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बढ़िया मैसेज आपको कोई और नहीं दिखा सकता, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने करवाया था। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण उस समय कराया गया था जब देश के अंदर खूनी संग्राम खेला जा रहा था। इस मंदिर का निर्माण उस समय कराया गया था जब तमाम मुस्लिम शासकों द्वारा देश के अंदर तमाम हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उस मुस्लिम शासक ने ऐसा क्या सोचा जो हिंदुओं के मंदिर को, एक भगवान शिव के मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया। हाँ, इस मंदिर का पता क्या है? मंदिर का पता भैया पूछ ले। टिकैतगंज वेता नदी शिव मंदिर,
कि कैदगंज बेता नदी शिव मंदिर के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। खैर, इस मंदिर की खासियत के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये आपको कैसी लगी, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और वाकई में अगर जो आप भी चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे तो इस वीडियो को जम के शेयर करिएगा। मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सुनने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रुजकार मोहित, लखनऊ। We'll be right back.